नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज जहां हम आपको ले चल रहे हैं वह कोई एक साधारण सा रेस्टोरेंट या कैफे नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां आपको जीवन में आए अंधेरों से लड़कर उससे बाहर कैसे आए इसकी एक रोशनी मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। ये है शिरोज हैंगआउट। यहाँ आपको बहुत अलग वातावरण मिलेगा जो इसे किसी भी रेस्टोरेंट या कैफे से अलग और विशिष्ट बनाता है। ये एक बहुत ही सम्माननीय मानवीय प्रयास है जहाँ काम करने वाले लोगों का आत्मबल जीवन की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों को मुंह चढ़ाता है। छांव फाउंडेशन। छांव फाउंडेशन द्वारा संचालित यह हैंगआउट उन लोगों को सम्मानित जीवन दे रहा है जिनके शरीर को पापियों ने जलाकर विकृत तो अवश्य किया, पर उनकी आत्मा की शक्ति को जला न सके। ये है समाज में एसिड अटैक से घायल पीड़ितों का कर्म क्षेत्र, जहां वे समाज की सभी बाधाओं को छोड़कर वीरांगनाओं की तरह जीवन व्यतीत कर रही हैं। यहां सबकी अपनी दुखद कहानियां हैं, पर हम यहां उनके दुखों को फिर से कुरेदने नहीं आए हैं, बल्कि उनकी जिज्ञासा, साहस और सकारात्मक सोच का दर्शन कराने आए हैं। तो चलिए मिलते हैं इन साहसी वीरों से। अच्छा फरा, ये बताइए कि इस कैफे में काम करने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारा बदलाव आया है। जैसे कि मैं जब शुरुआत से नहीं जुड़ी थी, उससे पहले भी मैं बिज़नेस करती थी, तो इतने सारे लोगों से मिलना नहीं होता था, वो एक गांव के लोगों से मिलना होता था। और शुरुआत में आने के बाद हम हर तरह के लोगों से मिले हैं, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सारे पॉलिटिक्स, मिस वर्ल्ड इंडिया, मतलब सबसे मिलना होता है। तो अच्छा लगता है सबके साथ बात करना, मिलना। और जो कस्टमर हमारे यहाँ पे आते हैं वो काफ़ी हर तरह के आते हैं, तो इतने सारे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। प्लस जैसे पहले मुझे ऐसा लगता था कि जो एसिड अटैक हुआ है वो सिर्फ मेरे ऊपर हुआ है, लेकिन शुरुआत में आने के बाद जब मैंने देखा इतनी सारी गर्ल्स हैं जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, वो बहुत कम एज में हैं, तो तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मतलब एक मैं ही दुनिया में अकेली नहीं हूँ, और भी सारी हैं। लेकिन जब घर पे थी तो मैं यही सोचती थी कि अभी तो मेरी एज इतनी है नहीं, और इतने जल्दी ऐसे अटैक क्यों हो गया, होना था तो 5 साल बाद हो जाता थोड़ा लाइफ एंजॉय कर लेते। लेकिन ये सारी बातें मेरे माइंड से निकल गई शुरुआत में आने के बाद। मैं अपनी लाइफ को पहले की तरह ही एंजॉय करती हूँ, हालांकि दर्द मुझे भी होता है। आई में भी मेरी ओनली 20%, इस आई में ओनली 20% विज़न है, तो मैं अपने कॉन्फिडेंस से चलती हूँ। लेकिन ये अभी भी मेरी ये सर्जरी हुई है, अभी 1 मंथ हुआ है, तो काफ़ी पेन, हम लोगों को पेन, एक नॉर्मल इंसान को जो कभी कभी पेन होता है ना, वो हमें रोज़ रहता है। लेकिन यह है कि हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना, वहाँ पे रोकना नहीं है। ऊपर वाले ने ये ज़िंदगी जो हमें दी है दोबारा, उसमें कुछ तो करके दिखाना है। बहुत बड़ी बात करी आपने जी, बहुत बड़ी बात। तो आजकल की पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे जो कि छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं? देखिए, परेशानियों से न्यू यूथ नहीं, हर इंसान घबराता है। ज़्यादातर आप किसी को भी देखोगे, हर इंसान यही बोलेगा आपके सामने, अरे यार टेंशन है, मेरा ये काम नहीं हुआ, अरे यार ऐसी बात है, ज़्यादातर सबके मुंह से आप यही सुनो। लेकिन हम जो सोच के चलते हैं, मान के चलते हैं, वो ये मानते हैं कि मानो हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स आई या हमारे पास कोई भी दिक्कत आई, तो हमें उसके लिए जो है ये सोचना है कि इस परेशानी को हम दूर कैसे करें, उसका हमें सोल्यूशन निकालना है, ना कि ये सोच के बैठ जाना है कि हमें टेंशन है, डिप्रेशन हो रहा है, ये नहीं करना है। हमें सच को एक्सेप्ट करके उस चीज़ से बाहर निकलना है, उस चीज़ को ठीक करना है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। क्योंकि लाइफ में जो है, अगर दुख नहीं होंगे तो हमें सुख की अहमियत ही कहाँ पता होगी, और सुख नहीं होगा तो दुख की अहमियत नहीं पता होगी। तो लाइफ में जैसे बारिश, सर्दी, गर्मी सारे हमारे लिए, हमारी फसलों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसी हमारी लाइफ के लिए दुख सुख भी इम्पॉर्टेंट है। बट ये है कि हम उस दुख को किस तरह से मैनेज करते हैं, उस दुख से किस तरह से बाहर निकलते हैं, ये मैन इम्पॉर्टेंट है।
लोग बहुत हर चीज़ को ना निगेटिव सोचते हैं, हमारे पिंपल निकल आया, अरे पिंपल निकल आया, दाग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत केयर करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि आपको तो ऊपर वाले ने बहुत अच्छा बनाया, और जो आपसे मतलब नीचे लोग हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई भीख मांग रहा, आप उनके बारे में सोचिए, ये ना सोचिए कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास भी नहीं, आप ये सोचो कि नीचे वाला वो कैसी ज़िंदगी जी रहा है, तो हम उस चीज़ में सेटिस्फाइज रहेंगे। अगर हम ये सोचेंगे अरे उसके पास गाड़ी है तो हमारे पास भी हो, तो हम कभी सेटिस्फाइज नहीं रह सकते हैं। मतलब हम लोगों का ये हैगा कि कोई हमारे यहाँ वो गेस्ट नहीं है, सब हमारे परिवार की तरह है, और लोग हमसे आते हैं, बातें करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, तो बहुत ही खुशी होती है। तो हमें भी ये लगता है कि ये मेरे कस्टमर नहीं, ये मेरे गेस्ट हैं, मेरे मेहमान हैं, तो बहुत ही, और इतनी इज्जत मिलती है कि मैं क्या बताऊँ, इतनी खुशी मिलती है कि जैसे लगता है कि ज़िंदगी में ऐसा कोई घटना ही मेरे साथ नहीं हुई है कि मतलब मुझे पहले मैं बहुत दुखी रहती थी, जब से मैं शिरोज़ में काम करने आई हूँ तो यहाँ मतलब ऐसा लगता है कि एक मेरी नई ज़िंदगी मिल गई है, वो ज़िंदगी से बेटर ज़िंदगी अब लगती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत, जैसे आप ही आई इतनी दूर से मुझसे बात करने, इसी तरह से और लोग भी आते हैं, बात करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, बस लगता है कि बहुत अच्छी ज़िंदगी बस कट रही है, इसी तरह से कट रही है। यहाँ पर ये बहुत ही स्वाभिमान से, निष्ठा और परिश्रम से कार्य करती हैं। इन्हें यहाँ कोई वेटर नहीं कहता, क्योंकि ये वेटर नहीं बल्कि हमारे ही बीच की बेटियाँ और बहनें हैं। यहाँ आने वाले सभी लोग इन्हें सम्मान से ही देखते हैं। छाव फाउंडेशन ने इस कैफे इज रन बाय छाव फाउंडेशन एंड आगरा में भी एक ब्रांच है शीरोज की। शीरोज मतलब गर्ल्स हु आर हीरोज, सो वी तो उसको हम शीरोज बना देते हैं। और यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं, मोस्टली दे आर विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक, एंड उनको एक तरीके से, क्योंकि यूजुअली ऐसा कोई विक्टिम होता है तो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहता, कोई अपने काम पर नहीं रखना चाहता, तो दे हैव मेड मतलब इन्होंने अपना एक व्यवसाय स्थापित किया है जो कि अब बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर नुक्कड़ नाटक बहुत होते हैं, जहाँ पे इस पोडियम के उस तरफ नुक्कड़ नाटक होते हैं, हम गाना गाते हैं, हम अवेयरनेस फैलाते हैं, नॉट जस्ट अबाउट एसिड अटैक्स बट रेप सर्वाइवर्स के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के सर्वाइवर्स के लिए, काफ़ी औरतें हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस को सर्वाइव करके यहाँ पे आई हैं और काम कर रही हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो ये कैफ़े एक उम्मीद का एक दूसरा नाम कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ का एक दूसरा पड़ाव शुरू करें, कि आपके साथ कोई ऐसी घटना हो उसके बाद आप ये ना सोचे कि घटना के बाद कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, दूसरी इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स सॉर्ट ऑफ है। तो और काफ़ी इंस्पायरिंग है यहाँ पे आना, और मुझे मेरी मम्मी को बहुत पसंद है यहाँ पर आना, यहाँ पर बैठना, खाना, तो क्योंकि ये तो आप किसी भी कैफ़े में कर सकते हैं, पर यहाँ पर स्पेशली आपको लगता है कि मोटिवेट होते हैं, कि आपको लगता है कि आप अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, पर फिर आप सामने जब देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, जब ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं तो मैं क्यों। बस मुझे यही लगता है। थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं है कि अकेले बेटियां ही एसिड अटैक की शिकार हुई हैं, बल्कि यहाँ एक पुरुष भी मिले जो इस एसिड अटैक का शिकार हुए। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है यहाँ पर, यहाँ पर नया जीवन मिला है, यहाँ पर आने से नया जीवन का रूप मिला है यहाँ पर। जैसे आप हम खुल के अब बैठे हुए हैं आपके सामने, चेहरा उगाड़ करके, जैसे तो ऐसे डलने के पहले बाद हम चेहरा नहीं उगाड़ सकते थे, तो हम चेहरा को बांध के रखते थे हमेशा। यहाँ आकर के हमको उम्मीद मिली, हमने चेहरा खोल दिया बिल्कुल। जैसे अपने गाँव में रहते हम बहुत ढके रहते थे, मतलब कोई कुछ कहे हमारे चेहरा को देख करके, शादी ब्याह में जा नहीं सकते हम, कोई फंक्शन प्रोग्राम में जा नहीं सकते, अकेले कहीं भी नहीं जा सकते, मतलब बहुत घुटन सी महसूस होती थी, मतलब वहाँ पर घर पर। फिर सोशल मीडिया के द्वारा आलोक दीक्षित से मुलाकात हुई, इनसे आलोक दीक्षित से उन्होंने मुझे को आगरा बुलाया, मुझसे बातचीत की, आगरा बुलाने के बाद में फिर मेरे को यहाँ काम दिया गया। तो आप अपना काम यहाँ पर अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, सबके साथ मिलकर आपको कोई झिझक नहीं होती? जी नहीं, सभी अच्छे लोग हैं यहाँ पर, सभी मिलजुल के सब परिवार की तरह रहते हैं, परिवार की तरह सभी अच्छे लोग। भाई साहब एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, ये हादसा कैसे हुआ? सर 3 जनवरी 94 को हुआ था ये,
मतलब हमारा कोई, मैं तो उस टाइम बच्चा था, उस टाइम 12-13 साल का था मैं, उस टाइम मेरे को एसिड हुआ, मतलब झगड़ा हुआ था, मतलब तो वो क्या है कि आए तो मेरे पिताजी ऊपर डालने के लिए, तो उन्होंने क्या है रात का समय था तो बाहर से आवाज़ लगाई थी, तो मैं बगल के कमरे में पढ़ रहा था उस कमरे में, तो बाहर से जिन्होंने आवाज़ लगाई तो मैंने एकदम गेट खोला था, वो मेरे ऊपर ही तेजाब डाल गए। दोस्तों, मैंने यहाँ के मैनेजर से बात की और इस हैंग आउट के बारे में और भी जानना चाहा, तो उन्होंने बताया, इस रेस्टोरेंट को चलाने का आइडिया कैसे आया? एक्चुअली ये जो रेस्टोरेंट का आइडिया है ये आलोक दीक्षित जी का है, और मैं 2017 को ज्वाइन किया था एज ए मैनेजर। तो देखिए, दूसरे रेस्टोरेंट और इस रेस्टोरेंट में क्या अंतर है कि देखिए, दूसरे रेस्टोरेंट में जब जाएंगे आप लोग तो हर एक रेस्टोरेंट में वही चीज़ें हैं जो हर एक होटल हो या रेस्टोरेंट है वही चीज़ होती, लेकिन जब यहाँ पर आएंगे तो देखिए डिफरेंट टाइप का आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों के साथ इतने बड़े हादसा हो गए वो भी बड़े लोगों को बड़े अच्छे तरीके से फेस कर रहे हैं, उनके अंदर वैसे खुशी, उनको लगता नहीं कि कभी इनके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है। तो सबसे बड़ा तो हमारे यहाँ मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सबसे बड़ा पावर ये है कि इतना होते हुए भी वो लोग हिम्मत नहीं हार रही और काम को लगातार कर रही हैं। अदर रेस्टोरेंट में क्या है कि जैसे कि चार वेटर रख दिए गए तो ऐसे आपको जैसे ट्रीट करते हैं, तो हर जगह वही होता है, लेकिन यहाँ एक डिफरेंट टाइप का है सब कुछ है, बिल्कुल लोगों को यहाँ सुकून मिलता है, और लोग जो हिम्मत हार चुके होते हैं जब वो लोग आते हैं और इन लोगों से जब मुलाकात करते हैं तो उनको एक अलग सी मतलब ज़िंदगी जीने का एहसास होता है, यही सबसे बड़ा डिफरेंट है। रेस्टोरेंट ही नहीं है, इनके एजुकेशन प्रोजेक्ट को और भी कई चीज़ों को, जैसे कि रेशमा जी सिलाई जानती हैं, तो इन जो भी इनके अंदर जो भी टैलेंट है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए हमारी संस्था जो आलोक दीक्षित जी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह मतलब कोई चीज़ की कमी ना आए। मुझे अभी फराजी बता रही थी, वो बहुत ही तारीफ़ कर रही थी कि यहाँ पर उनको काम करना बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही ख्याल रखा जाता है उनका, जैसे घर के सदस्यों का ख्याल रखा जाता है ऐसे प्रत्येक सदस्य का ख्याल रखा जाता है, इवन उनके साथ उनकी फैमिली का भी ख्याल रखा जाता है, ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो ये था हमारा प्रयास कि हम इस दुनिया के सच्चे वीरों और वीरांगनाओं को आपके सामने लाएं, ताकि हम सब लोग इनके अटूट आत्मबल और साहस से प्रेरणा ले सकें और जीवन में कभी भी निराश ना हो। सबसे अधिक आभार एवं साधुवाद छाव फाउंडेशन के श्री आलोक दीक्षित जी का है, जिन्होंने इन सब लोगों को एक नया जीवन दिया और उनका खोया हुआ स्वाभिमान दिलवाया। उम्मीद है कि आप सभी को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आगे भी ऐसा ही प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall.